हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो राजस्थान हिस्ट्री की हमने सीरीज शुरू की थी, जिसमें पुरातात्विक स्थल जो है, प्राचीन सभ्यता के स्थल हम पढ़ रहे थे। और इन सभ्यता के स्थलों में हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे राजस्थान की कुछ सभ्यताएं। पढ़ी थी हमने कालीबंगा सभ्यता, पढ़ी थी, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी। तो आज कुछ और सभ्यता है, उनके बारे में हम कवर करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता यानी सिंपल सा मतलब होता है जिस टाइम पर मनुष्य ने तांबे का यूज शुरू कर दिया था, प्रयोग करना शुरू कर दिया था, उन्हीं ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पहले मारी आती है आहाड़ संस्कृति। आहाड़ संस्कृति जो है, इसी आहाड़ संस्कृति के कुछ इंपोर्टेंट स्थल है राजस्थान में। चार मुख्य स्थल आते हैं आहाड़ संस्कृति के, जिन्हें पहले पहला आता है आहाड़ सभ्यता। आहाड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर जिले में आती है। दूसरा आता है गिलूंड सभ्यता, और गिलूंड सभ्यता जो है ये आती है राजसमंद जिले में। आहाड़ संस्कृति का तीसरा स्थल है वो है ओजियाना है, और ओजियाना आता है आपका भीलवाड़ा जिले में। और चौथा स्थल आता है बालाथल सभ्यता, और बालाथल सभ्यता आती है उदयपुर जिले में। ये आहाड़ संस्कृति के चार मुख्य स्थल है राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से एक सिंपल सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा आहाड़ संस्कृति का स्थल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में याद रखना कि गुल्लूंड अगर नहीं है, बालाथल नहीं है, उज्जैना नहीं है, तो कोई भी इनमें से अगर एक नहीं है तो आहाड़ संस्कृति का स्थल नहीं आता। ये चार मुख्य आहाड़ संस्कृति के स्थल आते हैं, राइट। चलिए, इन चारों सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे जो आहाड़ संस्कृति के चार स्थल है, ताम्रयुगीन सभ्यता के जो स्थल है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मैं आहाड़ सभ्यता के बारे में। चलिए, आहाड़ सभ्यता है कहाँ पर? आहाड़ सभ्यता है उदयपुर जिले में, ठीक है। पहली चीज कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये आयड़ नदी यानी बेड़स नदी है, उसके किनारे विकसित हुई थी आहाड़ सभ्यता कह दीजिए। बनास नदी के भूभाग में आते हैं सारे क्षेत्र, तो बनास संस्कृति कह सकते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता है, और किन किन नामों से जानते हैं इनको? इनको कहा जाता है ताम्रवर्ती सभ्यता। क्या कहते हैं? एक नाम आता है इनका, ताम्रवर्ती सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा प्राचीन काल में इसको ऐघाट पूर्व कहा जाता था, तो ऐघाट दुर्ग सभ्यता भी कह सकते हैं। और स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट कहा जाता है, तो धूलकोट सभ्यता भी कह सकते हैं। ये सारे उसके उपनाम है, यानी ये आयड़ संस्कृति या बेड़स नदी के किनारे पर है तो आयड़ संस्कृति, बनास संस्कृति, प्राचीन काल में ऐघाटपुर कहा जाता था, धूलकोट कहा जाता था। ये संस्कृति जो थी वो किस प्रकार की, जैसे कालीबंगा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, तो कालीबंगा संस्कृति थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आहाड़ सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि और किन किन नामों से जानते हैं। आपने एक नाम बहुत सुना होगा, आहाड़ में महासतियों का टीला। महासतियों का टीला जो है इसको कहा जाता है मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी शमशान भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये इनका शमशान घाट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो छतरी बनी थी वो बनी थी अमर सिंह प्रथम की, ठीक है, अमर सिंह प्रथम की सबसे पहले बनी थी। उसके बाद मेवाड़ के शासकों की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो महासतियों का टीला जो कहाँ पर है? आड़ में है। तो इसी मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान घाट भी कह सकते हैं, शमशान भी कह देते हैं, आड़ महासतियों का टीला कह देते हैं, ग्रामीण संस्कृति कह देते हैं, धूलकोट कह देते हैं, अघाटपुर कह देते हैं, ताम्रवर्ती नगरी कह देते हैं, और आड़ संस्कृति और बनास संस्कृति कह देते हैं, राइट। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास है, इन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी, और बाद में उत्खनन का जो काम किया था वो एक थे आरसी अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल थे, उनके अलावा थे वी एन मिश्रा जी और एस डी सांकलिया जी। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने इसका उत्खनन का काम किया था। आहाड़ संस्कृति की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, कहाँ पर है? उदयपुर में है। किस नदी के किनारे? आयड़ बेड़च नदी के किनारे पर है। उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, बी एन मिश्रा ने, और एस डी सांकलिया की जगह द्वारा इसका उत्खनन का काम किया गया था, राइट। चलिए, इसके अलावा अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो क्लासेज है मिलती रहेगी जानकारी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, अब बात आती है कि आहाड़ संस्कृति जो है इसका कालक्रम क्या है, ठीक है, यानी इसकी टाइमिंग क्या है। जो एक इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा जी, उनके अकॉर्डिंग अगर माने तो इसकी जो टाइमिंग है वो है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लेकिन जो इसकी सबसे परफेक्ट विधि है कार्बन 14, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आहाड़ संस्कृति का जो टाइमिंग है, काल है, वो माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। दोनों को अलग अलग याद रखना है। क्वेश्चन सिंपल वे में आएगा कि गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग आहाड़ संस्कृति की टाइमिंग क्या है, काल क्या है, तो 1900 ईसा पूर्व लेकर 1200 तक माना जाता है।
अब बात आती है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो यहाँ से मिली है जो अन्य सभ्यता से इसको प्रमुख बनाती है। पहली चीज खुदाई की गई थी, यहाँ पर 6 तांबे की मुद्रा मिली थी और 3 मोहरें मिली थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जो तांबे की मुद्रा थी उसमें एक में त्रिशूल बना हुआ है। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो गया है कि कहाँ की मुद्रा पर त्रिशूल बना हुआ मिला है, कहाँ पर ऐसी मुद्रा मिली है जहां पर त्रिशूल बना हुआ है, तो ये मिली है 8वें मिली है। दूसरी साइड में जो यूनानी शासक थे अपोलो, उनका नाम लिखा है उनके हाथ के तीर की तरफ है, तो अपोलो का जो चिन्ह मिला है यूनानी शासक, वो 8 सभ्यता में जो मुद्राएं मिली है उनमें देखने को मिली है। वहीं पर यूनानी भाषा के कुछ अंश भी लिखे हुए हैं। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि त्रिशूल छाप मुद्रा है वो कहाँ से मिली थी 8 सभ्यता में, और यूनानी अंश लेख है उसके अंश किस सभ्यता से मिलते हैं, तो ये 8 सभ्यता से देखने मिलते हैं। कितनी मुद्राएं मिली है, 6 मुद्राएं मिली है और 3 है वो मोहरें देखने को मिली है। चलिए, मुख्य व्यवसाय क्या होता था, आड़वासी जो लोग थे वो या तो मुख्य व्यवसाय कृषि करते थे और पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय होता था। तांबे के उपकरण बनाते थे यानी तांबे के औजार बनाते थे, और अनाज के रूप में किसका यूज करते थे, गेहूं का, ज्वार का और चावल का यूज किया जाता था। गेहूं का, ज्वार और चावल का। यहाँ पर जो खुदाई की गई थी, घरों में एक साथ 4 से 6 चूहे मिले थे, 4 चूल्हे, 5 चूल्हे, 6 चूल्हे मिले थे, और एक घर में इतने ज्यादा चूल्हे कब होते हैं, जब परिवार बड़ा होता है, यानी यहाँ से हमें संयुक्त परिवार के अवशेष मिलते हैं। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, संयुक्त परिवार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, या फिर एक मकान में 4 से 6 चूल्हों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, 8 सभ्यता से देखने मिलते हैं। 8 सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, 8 सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा और क्या क्या चीजें मिली है, यहाँ से मिट्टी के पके हुए 2 भंडार मिले हैं, ठीक है, जिसको खासतौर से अनाज रखने के लिए काम में लेते थे। अब अनाज रखने के लिए जो काम में लेते थे उनको क्या कहते थे, या तो कोट कहा जाता था या उनको कहते थे गोरे, ठीक है, या तो कोट कहते थे या गोरे कहा जाता था, दोनों नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से जो मृत भांड मिले हैं, अब मृत भांड की विशेषता क्या है, यहाँ से जो मृत भांड मिले थे उनकी विशेषता ये आती है कि वो नॉर्मली किस प्रकार की मिट्टी से बने हुए थे, ठीक है। यहाँ पर लाल और काली मिट्टी का यूज किया गया था। अब लाल काली मिट्टी का यूज करते हैं तो उसके लिए एक नाम आता है कि लाल काले मृत भांड की सभ्यता कौन सी है। यहाँ पर जो बर्तन मृत भांड मिले थे वो लाल और काले रंग का यूज हुआ था यहाँ पर, तो लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति किसको कहते हैं, 8 सभ्यता को कहा जाता है। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ एक बैल भी मिला था। अब मिट्टी का बना हुआ जो बैल है उसका नाम क्या था, उसको कहा जाता है बनासियल बुल कहा जाता है, यानी मिट्टी का बना हुआ एक बैल मिला था जिसको बनासियल बुल कहा जाता है। क्लियर, यहां तक चीजें रख लेंगे। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या क्या मिली थी, यहाँ पर नारी की मिट्टी की एक मूर्ति मिली है, यानी मिट्टी की एक बैल की मूर्ति मिली है, एक नारी की मिली है। चूड़िया मिली है, यहाँ से कुछ छल्ले भी मिले हैं, सलाइयां मिली है, और तांबे के बने हुए दीपक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे के दीपक कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन आपका पहले भी आ गया है कि किस सभ्यता से तांबे के बने हुए दीपक मिले हैं और किस सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक है। चलिए, और क्या क्या मिलता है सभ्यता से, एक आटा पीसने की चक्की मिली है, ठीक है। आटा पीसने की जो चक्की किस प्रमाण मिलते हैं, वो 8 सभ्यता से मिलते हैं। साथ में जो मृतक होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती थी, जिनको दफनाते थे, दफनाने के साथ में ये आभूषण रखते थे। 8 सभ्यता के लोग जब दफनाते थे तो दफनाने के साथ में क्या रखते, आभूषण रखते थे। इसके अलावा रंगाई के छप्पे मिले हैं या ठप्पे मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी, एक नाम याद रखना है, तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि, ठीक है। ये नॉर्मली 8 सभ्यता जो मृत भांड है वो उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे। इनका क्वेश्चन एक सिंपल सा नाम याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि उल्टी तपाई विधि के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो 8 सभ्यता में मिलते हैं। या इसी क्वेश्चन को एक और पूछते हैं कि उल्टी तपाई विधि की मृत भांड किस सभ्यता में, 8 सभ्यता में आते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ यहाँ पर जलपात्र भी मिले हैं, लेकिन बिना हाथे वाले जलपात्र मिले हैं, छोटे छोटे, तो उनका नाम याद रखें, उल्टी तपाई विधि का नाम याद रखें, तांबे की दीपक, तांबे की कुलाड़ी मिली है, ठीक है। और एक साथ एक घर में 5 से 6 चूल्हे मिले हैं जो कि संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, दिया सलाई धूप बत्ती मिली है जो ईरानियन शैली में मिली है, और जिसे ये प्रमाणित होता है कि हो सकता है यहाँ के लोगों का जो समुद्र है, व्यापार है, ईरानियन लोगों के साथ रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी 8 सभ्यता के बारे में, वो याद रखनी है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, मैं स्पीड के साथ में याद करवाता हूँ, याद रखना है स्पीड के साथ में। चलिए, 8 संस्कृति की बात कर रहे थे, तो 8 संस्कृति में क्या है, 8 संस्कृति है ये उदयपुर जिले में आती है,
कहां पर आती है? उदयपुर जिले में आती है, बेड़स नदी के किनारे पर है। इसी को हम तामरवर्ती कह देते हैं, अगाड़पुर कह देते हैं, धूलकोट कह देते हैं, बनास संस्कृति कह देते हैं, महासतियों का टीला कह देते हैं, और मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कह देते हैं। खोद की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, और उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने, वी डी मिश्रा ने, और एस डी सांकलिया की जी के द्वारा किया गया था। टाइमिंग क्या थी इसका? कालक्रम जो माना जाता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग, और कार्बन 14 के अकॉर्डिंग माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए, खुदाई में टोटल 6 तांबे की मुद्राएं मिली थी और 3 मुहरें मिली है, जिसमें एक मुद्रा पर त्रिशूल की मुद्रा है और यूनानी लेख लिखा हुआ है, ये याद रखना है। और क्या क्या मिली है? यहाँ के जो व्यवसाय थे, मुख्य व्यवसाय होता था कृषि करते थे या पशुपालन करते थे, यहाँ के लोग तांबे के औजार बनाते थे। एक घर में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो कि संयुक्त परिवार के अवशेष हैं, और अनाज के रूप में गेहूं का, ज्वार का और चावल का ये लोग क्या करते थे? यूज करते थे। इसके अलावा क्या मिला है? यहाँ पर अनाज रखने के कुछ भंडार मिले हैं जिनको गोरे या कोट कहा जाता था, ठीक है। यहाँ से जो मृत भांड मिले हैं उन पे लाल और काले रंग का यूज किया जाता है, इसीलिए उनको लाल और काले रंग की सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से एक मिट्टी का बना हुआ बेल मिला है जिसको बनासियल बूल नाम दिया गया है। एक नारी की और महिला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। यहाँ से चूड़ियां मिली हैं, छल्ले भी मिले हैं, तांबा का दीपक मिला है और तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली है, किससे? इसी सभ्यता से मिली है। इसके अलावा आटे पीसने की चक्की मिली है यहीं से, ठीक है। मृतक के साथ ये लोग आभूषण दफनाते थे। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं और उल्टी तपाई विधि में मृतबाण बनाते थे, और बिना हाथे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं। क्लियर है? ये हुई आर्य सभ्यता। अब इसी आर्य संस्कृति में आर्य सभ्यता के अलावा कुछ स्थलोर थे। एक है गिल्लूंड सभ्यता। गिल्लूंड सभ्यता जो है रासमंद जिले में आती है, हमारा रासमंद जिला है, इसी रासमंद जिले में गिल्लूंड सभ्यता है, ठीक है। गिल्लूंड सभ्यता जो है, इसके बारे में दो तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो है कहाँ पर, ये बनास नदी के किनारे पर है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि गिल्लूंड सभ्यता है रासमंद जिले में, किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे पर है। ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसमें ऑलमोस्ट वही चीजें मिली है जो आर्य संस्कृति में मिली थी। बस इतना याद रखिए कि है कहाँ पर, किस नदी के किनारे पर है, किसने इसकी खोज की थी। तो है रासमंद जिले में, बनास नदी के किनारे पर है, ग्रामीण संस्कृति थी ये, और खोज हुई थी 1957-58 में, किसने की थी? ब्रिजवासी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। ब्रिजवासी लाल के द्वारा गिल्लूंड सभ्यता की खोज रासमंद जिले में। क्लियर है? और आपको कुछ नया याद रखना नहीं है इनके बारे में। चलिए, तीसरा स्थल जो आता है ये बालाथल सभ्यता थी। इसके बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, बालाथल सभ्यता है कहाँ पर है? बालाथल सभ्यता आती है उदयपुर जिले में, ठीक है। उदयपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है वल्लभ नगर, और इसी वल्लभ नगर में बेड़स नदी के किनारे पर सभ्यता है जिसको हम कहते हैं बालाथल सभ्यता है। अच्छा, खोज किसने की थी? बालाथल सभ्यता की खोज हुई थी वी एन मिश्रा ने। वी एन मिश्रा ने की थी 1962-63 में, और उत्खनन किया था उसमें बी एन मिश्रा भी थे, वी एस शिंदे जी थे, और आर के मेहता जी और ललित पांडे जी, इन्होंने मिलकर इसकी उत्खनन का कार्य किया था। यहाँ से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बालाथल सभ्यता के बारे में जो आपका क्वेश्चन आता है। चलिए, इतनी चीजें कवर है। बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर कहाँ पर? उदयपुर में, बेड़स नदी के किनारे पर, वी एन मिश्रा जी ने खोज की थी। अच्छा, क्या क्या मिला है यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। पहली चीज तो ये है कि बैराड़ सभ्यता से जिस तरह से कपड़े के अवशेष मिले थे, यहाँ से कपड़े के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, कृषि का काम भी करते थे, ठीक है, शिकार का काम भी करते थे, जिस तरह से आर्य सभ्यता में थे, सैमी चीजें। दूसरी चीजें, यहाँ से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, हालांकि और भी बहुत सारी सभ्यताओं से प्राप्त हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्वेश्चन आपका ये आता है कि बालाथल सभ्यता में 11 कमरों का बना एक दुर्गनुमा मकान बना है, यानी एक मकान है, घर है जिसमें 11 कमरे थे, यानी दुर्गनुमा मकान के अवशेष कहाँ से मिलते? एक शब्द आता है कि दुर्गनुमा मकान के अवशेष जो मिलते हैं ये किस सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से देखने को मिलते हैं। चलिए, और क्या मिला था यहाँ से? यहाँ से एक सांड की आकृति मिली थी, यानी सांड की बनी हुई आकृति मिली थी, यानी मिट्टी की बनी सांड की आकृति है, मिट्टी का बना हुआ एक सांड जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा थिंक, ठीक है, सांड की बनी हुई आकृति बोल रहा हूँ, मिट्टी की बनी हुई एक सांड की आकृति मिली थी बालाथल सभ्यता से। लेकिन एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप याद रखिए जो सबसे ज्यादा बार आता है, वो आता है 11 कमरों का जो मकान की बात कर रहे थे, दुर्गनुमा मकान की बात कर रहे थे, या दुर्ग के जो अवशेष मिले थे वो। इसके अलावा यहाँ से कुत्ते की बनी हुई मूर्ति मिली है, बैल की बनी हुई मूर्ति मिली है, तांबे के सिक्के मिले हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो कृषि भी करते थे, शिकार भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सबूत मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी ताम्रयुगीन सभ्यता में आहार संस्कृति का एक और स्थल है, इसका नाम है ओजियाना स्थल।
ओजना है कहाँ पर? ओजना आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। ओजना भीलवाड़ा जिले में आता है, भीलवाड़ा का जो बदनौर एरिया है उसी के पास में है। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। बनाव संस्कृति का हिस्सा है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा ही है। अच्छा, यहाँ पर याद क्या रखना है? याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी। खोज इसकी द्वारा की गई थी बी आर मीणा ने और आलोक त्रिपाठी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की थी? 2000 में की थी। यहाँ पर कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, कोई बेसिक सी चीजें हैं। इसकी टाइमिंग याद रखिए, टाइमिंग एक ही माना जाती है, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ से एक चीज अलग हुई थी, यहाँ पर सफेद बेल की मूर्ति मिली है यहाँ से, और जिसको नाम दिया गया इसी के नाम से, ओजियाना बुल के नाम से। ओजियाना बुल्स का नाम दिया गया था इसका। बस इतना याद रखिए कि ओजियाना स्थल है कहाँ पर, ये है भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। तांबे के और पाषाण के यहाँ से औजार देखने को मिलते हैं। ये चार मुख्य स्थल आते हैं जो आपके इसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ चीजें और हैं, वो भी याद रख सकते हैं। एक सभ्यता और कवर कर लेते हैं, इसी भीलवाड़ा की बात कर रहे थे। इसी भीलवाड़ा जिले में एक सभ्यता आती है जिसको हम कहते हैं बागोर सभ्यता। ठीक है, बागोर सभ्यता आती है। अच्छा, ये थोड़ा सा दो तीन चीजों के लिए इंपोर्टेंट है, ये याद रखिए। पहले से बागोर सभ्यता जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर है? ये है कोठारी नदी के किनारे पर आती है। अच्छा, क्यों इंपोर्टेंट है? इंपोर्टेंट अगर आप थोड़ा सा प्राचीन काल में अगर जाओगे तो आपको याद आएगा, मैं मध्य पाषाण काल की टाइम बात कर रहा हूं मैं। एक तो नाम याद रखिए, मध्य पाषाण काल क्यों याद रखना है बताऊंगा मैं। मध्य पाषाण काल नाम याद रखिए, इसलिए इंपोर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। मध्य पाषाण काल में ये हुआ था कि पहले मनुष्य शिकार करता था, शिकार करने के साथ साथ क्या करने लग गया था? पशुपालन करने लग गया था मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन के राजस्थान में या पूरे भारत में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं बागोर से। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? मध्य पाषाण काल से रिलेटेड स्थल हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, तो बागोर है, या बागोर किससे संबंधित है, या फिर पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागोर से देखने को मिलते हैं। चलिए रख लेंगे। अब आती है कि इसकी खोज कब हुई थी। बागोर की खोज हुई थी 1967-68 में द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जो वी एन मिसर है, वी एन मिसर जो है इनके द्वारा की गई थी। अच्छा, वी एन मिसर का पूरा नाम आपको याद होगा। ठीक है, वीरेंद्रनाथ मिसर जो थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी 1968। टाइमिंग क्या मानी जाती है? इसकी टाइमिंग मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि इसकी कालक्रम रहा था, इसकी टाइमिंग रही थी। अच्छा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है वो तो है पशुपालन का। ये याद रखना है कि पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ समाधियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और कंकाल पर नॉर्मली कंकाल मिला यहाँ पर जो दीवार में था, और कुछ गोल शिलाएं मिली है जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी का यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है पशुपालन वाला क्वेश्चन या मध्य पाषाण का। दो नाम याद रख लीजिए, बाकी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अच्छा, भीलवाड़ा में बात करते हैं तो भीलवाड़ा में एक सभ्यता और आती है, हालांकि उसका सिर्फ नाम ही याद रखना है। उसका नाम है लाछूर। ठीक है, क्या नाम है? लाछूर नाम याद रखिए। ये लाछूर जो है ये भीलवाड़ा की एक सभ्यता है। उसकी खोज जो की थी ये 1998 में हुई थी। मीना जी थे, बी आर मीणा जी जिन्होंने इसकी खोज की थी। हालांकि यहाँ से कुछ ज्यादा अच्छी चीजें मिली नहीं है, नॉर्मली बस याद रखिए कि इन्हीं से संबंधित ये स्थल आता है। क्लियर है, रख लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की अगर बात कर रहे हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के और राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं जिनके नाम याद रखने चाहिए? बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा इन्हीं को मिटा के आपको अलग अलग जो नाम है वो बता देता हूँ कि कौन कौन से है चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, 1 सेकेंड रुक जाइए तो मैं कर देता हूँ। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन आपने अगर अभी पुराने वाला एग्जाम दिया है तो उसमें आपने देखा होगा एक नाम आता है बहुत बार, झाड़ोल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि झाड़ोल जो है वो कौन सी जिले में है। झाड़ोल जो है ताम्रगिन सभ्यता का स्थल है, झाड़ोल है उदयपुर जिले में। एक नाम रखना है कि झाड़ोल जो है ये कहाँ पर है, झाड़ोल आता है उदयपुर जिले में, ये याद रखिए, ये आपका क्वेश्चन आता है। चलिए, एक है कीराडोत, कीराडोत आता है जयपुर में। कीराडोत, क्या क्या याद रखना है? दो ही नाम याद रखने इनके बारे में, एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल हैं, दूसरा कौन से जिले में आता है ये याद रखना है। अब जयपुर जिले में एक और आता है नंदलालपुरा। नंदलालपुरा, ये नंदलालपुरा जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर जिले में आता है। चलिए, एक साबणिया जगह है, साबणिया आती है बीकानेर में।
एक साबणिया जगह है, साबणिया जगह भी कहाँ पर आती है, ये बीकानेर जिले में आती है, एक भरतपुर में आती है जिसका नाम है मल्लाह, ठीक है, एक भरतपुर की जगह है जिसका नाम मल्लाह है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से रिलेटेड एक स्थल है, एक बूढ़ा पुष्कर आप सभी को याद है कहाँ पर, अजमेर में आता है, ये बूढ़ा पुष्कर जो है ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है जो कि ये पुष्कर जो है सॉरी अजमेर जिले में आता है। चलिए इसके अलावा एक पिंड पाड़ली आपने सुना होगा जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, चीतबाड़ी है जो एक जगह है उदयपुर में है, उसका भी याद रखना है, ठीक है, चीतबाड़ी याद रखिए उदयपुर में ही है, चीतबाड़ी एक जगह है। अरे ये कुछ स्थल हैं जो है कहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता से स्थल रिलेटेड है, अलग अलग जिलों में है, बस याद रखिए। एक आपको जोधपुरा याद होगा, ठीक है, साबरी नदी के किनारे जोधपुरा भी कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ से, जोधपुरा जयपुर जिले में आता है, जोधपुरा जो कि कहाँ किस नदी के किनारे है, राजस्थान में जयपुर में, ये साबरी नदी के किनारे पर है और ये भी ताम्रयुगीन संस्कृति के यहाँ से अवशेष देखने मिलते हैं, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गए कुछ आपकी सभ्यताओं के, ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष हो गए, हालांकि कुछ और सभ्यताएं हैं वो भी हम कवर करेंगे, होप आपको ये पसंद आएगी, तो अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, हालांकि कुछ और लेसन और बाकी हैं वो भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।